रीवा ज़िला जो कि अभी तक कोरोना संक्रमित होने से अभी तक बचा रहा, कल एक प्रकरण सामने आया है जिसमें कि डॉक्टर राजेश सिंघल और उनकी पत्नी श्रीमती रेखा सिंघल जो कि स्वयं भी डॉक्टर हैं, दोनों एक प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं और डॉक्टर सिंघल पहले से ही प्रोस्टेटिक कैंसर के पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन दिल्ली में हुआ और 2 महीने से वो दिल्ली में ही थे। 13 अप्रैल को वो रीवा आए और लगभग 7-8 दिन वो यहाँ रहे। 21 तारीख को वो पुनः कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के कारण वापस वो दिल्ली गए और दिल्ली पहुँचने पर उनके द्वारा COVID-19 का जो टेस्ट कराया गया वो अनफॉर्चुनेटली उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। इसको लेकर उनके नर्सिंग होम में और उनके जो परिवारजन हैं सभी को क्वारंटीन किया गया और साथ में जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री थी और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वो पूरा निकाला गया, जिसमें प्रथम दृष्टया 29 लोग पाए गए थे और बाद में और इसको जब देखा तो उसमें लगभग 38 लोग जो हैं इसमें हो गए। सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है और पूरे जो उनका क्षेत्र है उसको कंटेनमेंट एरिया बनाकर सील कर दिया गया है और प्रोटोकॉल के अनुसार जो कंटेनमेंट एरिया में जो भी काम करते हैं उस अनुसार वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भी वहाँ पर जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। और जो भी बहुत ही आवश्यक अगर कोई जो भी जाता है आता है तो उसकी एंट्री कारण दर्शाते हुए वहाँ पर एंट्री पॉइंट पर की जाती है। हालांकि डॉक्टर रेखा सिंघल का अभी तक रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि वो दिल्ली में है और उनका COVID-19 के विषय में उनके क्या रिजल्ट हैं अभी हमको जानकारी इसकी नहीं मिल पाई है। फिर भी हमने जो रीवा में उनके कांटेक्ट में जो लोग आए थे उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल के जो जांच पश्चात ही उसमें उनके रिपोर्ट के आधार पर उस पर आगे निर्णय लेंगे।